कारगिल विजय दिवस पर अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं जिला सैनिक कल्याण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। विजय दिवस के अवसर पर शहीद लांस नायक हरीश सिंह देवड़ी, देवेंद्र गिरी, राजेंद्र सिंह देवड़ी, नायक हरी बहादुर घले की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कैंट में आयोजित कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायक, डीएम, एसएसपी सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जनपद से 7 वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपनी अदम्य वीरता का परिचय देकर शहीद हुए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद वीरांगनाओं ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है, लेकिन शहीद दिवस के अवसर पर उनकी आंखें भी भर आती हैं। मनाते शहीद अच्छा लगता है, पर दुख भी होता है। डिमांड तो सब पूरा ही है, मतलब रोड बनने वाली थी हमारे वहाँ, अधूरी पड़ी है। तब से इतने 24 साल हो गए तो आधी है, गांव तक नहीं पहुंची। हम गांव जाते तो असुविधा होती है हम लोगों को आने जाने में। कारगिल दिवस के इस अवसर पर, जिसको हम सब शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, और ये हम सब के लिए बड़े गौरवशाली का क्षण है कि कारगिल जैसी जो लड़ाई, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि 8,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पर ये लड़ाई में विजय प्राप्त की। मैं हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। मैं उन वीरांगनाओं को भी प्रणाम करता हूँ, और उन जो लोग दिवंगत हुए हैं, और उसमें अल्मोड़े के ज़िले के 7 लोग दिवंगत हुए थे, और काफ़ी संख्या में हमारे बहुत सैनिक ने अपनी शहादत दी थी।